नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, जो कि छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। 7 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं पीएम मोदी। कई वर्गों के प्रतिनिधियों से वो संवाद करेंगे। इस दौरान मोदी आईआईटी भिलाई का शुभारंभ भी कर सकते हैं। आला नेताओं ने आगमन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा भी होगी। पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं बीजेपी नेताओं ने। 7 जुलाई को वो तारीख निर्धारित हुई है जब पीएम मोदी रायपुर आ सकते हैं। पीएम मोदी आईआईटी भिलाई का शुभारंभ भी करेंगे। आला नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का संभावित दौरा रायपुर का, छत्तीसगढ़ का। 7 जुलाई को रायपुर आएंगे पीएम मोदी। कई वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। आईआईटी भिलाई का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो कल बिलासपुर में उनकी एक सभा है। गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में कार्यकर्ताओं में हुंकार भरेंगे और चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी देंगे। बिलासपुर की रेलवे ग्राउंड में जेपी नड्डा की बड़ी रैली होने जा रही है। रैली को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर 30 जून को बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की आम सभा की तैयारियां चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन को लेकर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में, जनता में खासा उत्साह है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष का बिलासपुर आना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता उनके आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से उनका आम सभा ऐतिहासिक होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जनता में एक उत्साह के वातावरण का संचार होगा। तो कल बिलासपुर में जेपी नड्डा की एक बड़ी रैली है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे हुए थे। किस तरह की तैयारियां हैं उन्होंने वहां पर देखा, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम होंगे वो भी जाना। तो एक महत्वपूर्ण दौरा निश्चित तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी जमीन खो चुकी बीजेपी सत्ता में वापसी की राह देख रही है। तमाम तरीके की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, उन राज्यों में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा जेपी नड्डा पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे थे, पीएम मोदी पहुंचे थे और वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को मिलेगा। गृहमंत्री का दौरा हो चुका है, अब कल जेपी नड्डा पहुंचेंगे और पीएम मोदी भी 7 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं। फिलहाल कल एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, काफी कम वक्त बचा है और इसकी गंभीरता को केंद्रीय नेतृत्व भी समझता है। कल जेपी नड्डा तो आ ही रहे हैं, 7 जुलाई को मोदी जी भी आ सकते हैं रायपुर। देखिए
देखिए सुमित, 2023 विधानसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं, खास करके जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से कर रहे हैं, बूथ लेवल से लेकर के हाई लेवल तक मीटिंग हो रही, लगातार बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें, कल जगत प्रकाश नड्डा हैं, कल रायपुर में एक महती आम सभा को संबोधित करेंगे, और इससे पहले भी बीजेपी ने एक बड़ी सभा दुर्ग में जो की थी, जिसमें जेपी नड्डा खुद आए हुए थे, और साथ ही साथ इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। और अगर हम बात करें 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो रायपुर आ सकते हैं, उनका जो दौरा है वो संभावित है, प्रस्तावित एक दौरा है। तो 7 जुलाई को जब आएंगे तो हो सकता है कि दुर्ग आईआईटी की जो सौगात है वो दे सकते हैं, साथ ही साथ अलग अलग वर्ग के जो समुदाय के जो वर्ग के लोग हैं उनसे भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसीलिए देश भर में अलग अलग बीजेपी है जो आयोजन कर रही है, और सबसे बड़ी बात यही है कि विधानसभा का चुनाव है 2023 में होना है, तो उसकी जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही है, और उसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग से लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ है, साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व के जो बीजेपी का है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो दौरा प्रस्तावित है 7 जुलाई को, उसमें आएंगे, और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि और उसकी जो तैयारियां हैं बीजेपी के आला जो नेता हैं वो अभी से करने में जुटे हुए हैं। जी ठीक है गल, बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद दिल्ली से रायपुर लौटे टीएस सिंहदेव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी टीएस सिंहदेव के साथ रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर न्यूज 18 से बातचीत में टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। करेंगे बाबा, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद आपको, सभी साथियों का गहरा आभार जिनका हमेशा साथ में बना रहा, और हाईकमांड का गहरा आभार जिन्होंने इस विषय में। क्या लगता है कि जो बीजेपी को जो मुद्दा बार बार मिल रहा था, आप लोगों के वैमनस्य फैलाने की बात कह रही थी, तो वो विराम लग गया? लगना चाहिए, पहले भी ऐसी कोई बात नहीं होती मुझे लगता है, और आगे भी नहीं होगा। 75 पार का आंकड़ा जो नारा दिया गया है, क्या वो पूरा हो पाएगा? और भी वो कठिन लक्ष्य है, लेकिन आदमी एक लक्ष्य को लेकर चलता है। हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया, 36 बिंदु प्रमुख रखे, 281 बिंदु उसके अंदर में थे, उनको पहल करके हमको पहुंचना है। 75 पार भी एक लक्ष्य, कम से कम 2/3 आएगा तो हम लोग को बहुत खुशी होगी, 75 पार होंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। मकसद लोगों का विश्वास अर्जित करना, जो हमने किया उसके आधार पे कि उनको ये लगे कि इतना किया है, आगे भी इन लोग मिलकर करेंगे। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब 75 पार का जो लक्ष्य दिया गया है, टीएस बाबा का कहना है कि अगर वो लक्ष्य पूरा होगा तो और भी बेहतर होगा, लेकिन बीजेपी को जो मुद्दा एक मिल रहा था, फिलहाल उस मुद्दे पर विराम लग गया है, ऐसा टीएस सिंहदेव का कहना है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। जिम्मेवारी मिली है हमारे हाईकमान ने, खड़गे जी ने और राहुल जी ने फैसला लिया और उनको जिम्मेवारी मिली है। वैसे पहले से ही बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस और भी मजबूत होगी। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। जी 75 पार होगा मैम। इस तरह की देखो, हमें पूरा विश्वास है, अभी हमारे पास 71 है, उससे ज्यादा ही नहीं। जी बिल्कुल। रायपुर लौटे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया और ट्वीट कर लिखा कि आज निवास कार्यालय पर महाराज साहब टीएस सिंहदेव जी ने सौजन्य मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हम सब ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा
जी की विशेष उपस्थिति थी। दुर्ग से खबर है जहां डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सीएम हाउस पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने खुद टीएस सिंहदेव की अगवानी की। सीएम हाउस भिलाई 3 में उनका स्वागत हुआ और इस दौरान टीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश बघेल के परिवार से मुलाकात की। सभी ने टीएस सिंहदेव को मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि 60 दिन का डिप्टी सीएम जिसके पास कोई अधिकार नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा हटा दिया है, अब पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रमन सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस लौटकर नहीं आ रही है, हार के डर से यह फैसला लिया गया है। कल देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय को विधानसभा चुनाव से महज 4 महीने पहले उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार ने साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय को नए दायित्व के लिए बधाई शुभकामनाएं दी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से ही साय को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी देने की बातें लगातार सामने आ रही थी। इसके बाद आज उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। पूजा पाठ के बाद नंद कुमार साय ने औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूं कि जिम्मेदारी के निर्वहन का एहसास वो बड़ा बात होता है। महाराज साहब को बधाई देता हूं नई जिम्मेदारी के लिए और प्रदेश की सरकार की कार्य क्षेत्र में उनके आने से, एक इस रूप में आने से नई शक्ति का अभिवृद्धि होगी, जनता को उससे लाभ होगा। नंद कुमार साय को औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा है। पूर्व सीएम ने कहा कि नंद कुमार साय को केंद्रीय अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया था, अब अगर उन्हें निगम मंडल के अध्यक्ष पद मिलने पर संतुष्टि हो रही है तो उनको बधाई। जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था, अब उनको किसी निगम मंडल के अधने से पद में संतुष्टि हो रही है तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ को संवारा और सजाया है बल्कि उसे विकास की रफ्तार भी दी है, लिहाजा जनता उन पर एक बार फिर से विश्वास जताएगी और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं रमन सिंह पर राधिका खेड़ा ने तंज कसते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि भ्रष्टाचार के जुल्म गढ़ने वाली केंद्र सरकार अपने दूत ईडी को कब डॉक्टर रमन सिंह के घर भेज रही है ये बताना चाहिए, और रमन और उनके बेटे ने जो पनामा में पैसे जमा कर रखे हैं वो कब वापस किए जाएंगे ये भी साफ करना चाहिए। साथ ही बीजेपी को ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ियों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए कब आएंगे, हिम्मत है तो बताइए। सुकमा जिले के ताड़मेटला गांव के उपसरपंच माडवी गंगा और शिक्षा दूत सुक्का कवासी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। उसके बाद अगवा सभी ग्रामीणों को रिहा भी कर दिया। रिहा किए गए ग्रामीण उपसरपंच माडवी गंगा और शिक्षा दूत सुक्का कवासी के शव लेकर ताड़मेटला पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची।
पुलिस रिहा किए गए ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। इधर आदिवासी समाज प्रमुख चिंता गुफा पहुंचे, उन्होंने अगवा ग्रामीणों के घरवालों से बात की, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जिला सुकमा के थाना चिंता गुफा अंतर्गत ताड़मेटला पंचायत के उप सरपंच मारवी गंगा और शिक्षा दूत कवासी सुक्का को 8 दिन पहले अगवा किया था। दुलेड गांव में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मारवी गंगा और कवासी सुक्का की हत्या कर दी। रायपुर से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम डॉक्टर अमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा, व्यापम परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाए, कहा नकल रोकने के लिए अलग श्रृंखला में प्रश्न होते हैं, पेमेंट करने पर उत्तर की श्रृंखला समान मिलती है। रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। दुर्ग से खबर है, जहां 2 करोड़ की ठगी का सीसीटीवी सामने आया, कार से आए 5 ठगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राइस मिल संचालक ठगी का शिकार हुआ है, ठगी में 10 लोगों के शामिल होने की संभावना। आरोपियों की नागपुर की तरफ भागने की खबर है, मोहन नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उनके साथ में कुछ लोगों ने ईडी के अधिकारी बन करके ठगी की है। वो उनके शॉप पे आए और वहाँ पे उनके पास कुछ कैश पैसे रखे हुए थे, वो कैश पैसे उन्होंने जब्ती के नाम पर लिए और लेकर के फिर उनको भी कुछ दूर साथ ले गए, उनको उतार करके फिर आगे निकल गए। तो सूचना मिलते साथ हम लोगों ने अलग अलग टीम बना करके मामले में जाँच चालू कर दी है और हमारी कार्रवाई जारी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हमको सफलता मिलेगी। दुर्ग में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शिवनाथ नदी में एक निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर ढह गया। जानकारी के अनुसार जब पुल का स्ट्रक्चर ढहा तब मजदूर वहां से दूर थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुल का जो स्ट्रक्चर था भर भरा कर गिर गया। दुर्ग जिले में एक दूसरा बड़ा हादसा हो गया है। सकनी घाट का पुल गिरने के साथ साथ रेवली डीप का ये पुल गिर गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर नदी जो है शिवनाथ नदी है और कितने आवेश में नजर आ रही है, किस कदर यहाँ पर जो पानी का बहाव है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए ये जो है रेवली डीप पुल जो बन रहा था वो किस तरह से गिरा है। देखिए ये जो पुल बन रहा था एक जगह से दूसरी जगह गांव को जोड़ने वाला पुल था, ये भी धराशाही हो गया है। कुछ ही घंटे के भीतर में ये बड़ा दूसरा हादसा हुआ है जब इस तरह का पुल गिरा है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा था और जो रॉड्स निकले हुए यहाँ पर किस तरह से उसकी ढलाई की जा रही थी और किस तरह से निर्माणाधीन ये पुल था। और भी हम जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे, प्रत्यक्षदर्शी से बात करेंगे। भैया एक मिनट इधर आइए ना, किस तरह का ये पुल था, क्या हुआ था यहाँ पर? ये पानी बढ़ता गया और लगभग 3:30-4 बजे भर भरा के पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर जी ताज़ा ताज़ा ढलाई था, अब पूरा नीचे ऊपर से लेकर पूरा नीचे गिर गया। लोहे के स्ट्रक्चर के साथ ऊपर का जितना कंस्ट्रक्शन एरिया था सब गिर गया। कितने बड़ौदाबाजार की बात करेंगे, जहां शिवनाथ नदी में नहाने गया एक युवक लापता है। आशंका जताई जा रही है कि युवक नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गया। वहीं पुलिस को नदी के घाट के पास से युवक के कपड़े भी मिले हैं और इन कपड़ों में से युवक का आधार कार्ड और पर्स भी मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।